ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव अब नज़दीक आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कलवा मुमरा अध्यक्ष सिकंदर खान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सिकंदर खान ने ही नहीं बल्कि उनके साथ 32 और लोगों ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है। आखिर पार्टी को सिकंदर खान ने क्यों छोड़ा, क्या वजह है जो सिकंदर खान के साथ 32 लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया? समाजवादी पार्टी छोड़ने की वजह जो है सबसे बड़ी, जो यहाँ पे पुराने जो पार्टी के कार्यकर्ता है या समझो जो जिम्मेदार हैं, जिसे आदिल खान आजमी है या और जो भी दो चार पुराने लोग थे, अभी वजह यही है कि हम लोग जो मकसद लेके जुड़े थे, हमारे साथ में और लोग जुड़ रहे थे कि शहर में एक अच्छा अपोजिशन खड़ा हो, वो खड़ा होने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पे पार्टी के पुराने लोग पार्टी को पनपने देना नहीं चाहते हैं, जो पार्टी के पुराने यहाँ पे लोग हैं पार्टी को पनपने देना नहीं चाहते यहाँ पे। कौन है पुराने लोग, वो कौन है? पहले वाले अध्यक्ष आदिल खान आजमी और भी दो चार लोग हैं पार्टी में जो मतलब दीमक के जैसा लगे हुए पार्टी को। ये चीज़ कैसा हाशिम भाई को समझना चाहिए कि वो हाशिम भाई हमेशा देखे हुए वो चीज़, मेरे साथ में नहीं हुआ, इसके पहले भी दो तीन अध्यक्ष आके जा चुके, उनके साथ में भी सेम चीज़ें हुई है, लेकिन हाशिम भाई इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। मैंने कोई आंदोलन किया है, वो आंदोलन में अगर लोग पार्टी के कार्यकर्ता जाने के लिए तैयार खड़े हैं तो वहाँ पे एक तरफ से पार्टी के ही लोग खड़े होकर फ़ोन करके पार्टी के कार्यकर्ता लोग को बोलते थे कि वहाँ पे मत जाओ नहीं तो केस बन जाएगा। कौन बोलता था? यही पार्टी के जो पुराने कार्य, अरे पार्टी के लोगों का ही फोन आता था, आदिल खान आजमी साहब की तरफ से फोन आता था, लोगों की तरफ से फोन आता था कि मत जाओ वहाँ पे केस बन जाएगा, उनके लोग फोन करते थे यहाँ पे कार्यकर्ताओं को मत जाओ वहाँ पे केस बन जाएगा। शहर में जो अच्छा अपोजिशन हो, जिसमें आज जैसा शहर में बार बार हर लोगों पे टारगेट करके केस बनाया जाता है, प्रशासन और डिपार्टमेंट मिलके केस बना रहा है, तो एक अच्छा अपोजिशन, ताकतवर अपोजिशन जो भी होएगा हम उसके साथ में हैं। नहीं नहीं अभी हमने कोई डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन जल्दी हम लोग फैसला करेंगे और कोई अच्छी पार्टी जो मतलब मजबूत रहे हर चीज़ से, जो कहीं मतलब इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, हर मुद्दों पे लड़े, हम उसके साथ में उसके समर्थन में रहेंगे। देखो मैं करीब मुझे 3 या 4 साल हो गए समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके। यहाँ पे मामला तो ऐसा है कि यहाँ पे जो भी अध्यक्ष आता है यहाँ पे, चाहे सिकंदर भाई हो या परवेश फरीद हो या उससे पहले कोई भी हो, तो पार्टी के अंदर एक लॉबी है जो अगर यहाँ पे कमेटी में नहीं होती, कमेटी का हिस्सा नहीं होती है, तो बाहर से टारगेट करती है। अब टारगेट करने का मतलब ये हो गया कि कुछ अगर नुक्स देखे तो वहाँ कंप्लेन कर दिए, बार बार वहाँ जाना, बार बार वहाँ कंप्लेन करना कि वहाँ पर ये नहीं हो रहा, वहाँ पर वो नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो मुकम्मल एक प्रेशर रहता है। हाँ अभी यहाँ पे हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो जो चीज़ डायरेक्ट हमें हेड ऑफिस से जो हमें इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, कोई प्रोग्राम का शेड्यूल हमारे पास आना चाहिए, वो हमारे पास नहीं आकर के अदर लोगों के पास जा रहा है और उनके जरिए से हमें मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे ये प्रोग्राम होने वाला है, यहाँ पे पार्टी की प्लानिंग चल रही है। जो चीज़ जो हक यहाँ पे कमेटी मेंबर का, कमेटी प्रेसिडेंट का, कमेटी जनरल सेक्रेटरी का है, उसका उस हक न मिल करके कोई पार्टी कोई बाहर का आदमी आकर हमें बताता है। समाजवादी पार्टी का जो मुमरा कलवा एक महाराष्ट्र में जो एक एरिया है उसमें इतना वोट होने के बावजूद, क्योंकि हर घर में एक दो वोट मौजूद है और हर वार्ड में 2 से 3 हज़ार वोट है समाजवादी पार्टी का, वहाँ पर जनाब अबू हाशिम आजमी साहब क्यों नहीं मतलब ध्यान देते? अबू हाशिम आजमी साहब को क्या ये मतलब पता नहीं है कि मोमरा कौसा में, अबू हाशिम भाई की बहुत से आप वीडियो देखे, वो कहते हैं कि हम अपनों से वोट मांगेंगे, तो मोमरा कौसा में क्या अपने नहीं है? अपने होने के बावजूद तो यहाँ वोट क्यों नहीं मांगते? या तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो बहुत बड़ा बैकिंग चलता है, बैकअप इसके लिए नहीं होता है, आते हैं अबू हाशिम भाई, भाई आप तुम यहाँ राज करो, हम गोंडी में राज करेंगे। एक तो ये मसला समझ में आता है, जहाँ पर हर वार्ड में 2 से 3 हज़ार नहीं एक नगर सेवक निकल सकता है, वहाँ की हालत यह है कि यहाँ के जो पब्लिक मुद्दे हैं वो अबू हाशिम भाई उठाने को तैयार नहीं है। अच्छा रह गया दूसरी चीज़ जो हम ये देख रहे हैं पार्टी में, मैं करीबन समीम भाई के टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे उस वक्त भी यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया था, मैं उस टाइम से देख रहा हूँ कि जब पार्टी में जब ताला लग जाता है इसके बाद में वो आदिल भाई को जब अध्यक्ष बना दिया जाता है तो आदिल भाई का काम ये होता है कि ये अध्यक्ष को कैसे भगाए, हम कैसे बैठे, ये मतलब ये क्या अबू हाशिम भाई को नहीं मालूम ये बात? ये बात अबू हाशिम भाई को मालूम पड़ना चाहिए ना।
कि पार्टी यहाँ पर क्यों ताला लग रहा है पार्टी ऑफिस में, महीना महीना दो दो महीना ऑफिस में बंद रहती है। सिकंदर खान का आरोप है कि उन्हें पार्टी में काम नहीं करने दिया जा रहा है और पार्टी के ही लोग पार्टी को तोड़ रहे हैं, हमारी आवाज भी दबाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हम लोगों ने यह फैसला लिया है कि हम समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं, मगर किसी भी पार्टी में जाने के बारे में अभी सिकंदर खान ने कुछ नहीं बताया है, मगर जानकारी जो सामने आ रही है कि सिकंदर खान का बीजेपी में जाना तय माना जा रहा है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सिकंदर खान समाजवादी छोड़ने के बाद अब बीजेपी में शामिल होते हैं या किसी और पार्टी में शामिल होंगे। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।